السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. हज़रात, हमारा ताल्लुक़ उस उम्मत से है जो अपने मिजाज में आलमगीरियत और आफाकियत रखती है। उस उम्मत की आफाकियत वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन से साफ जाहिर है। इस उम्मत के रहबरो पेशवा आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबुवत के बाद जो आयतें सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो आयतें हैं जो हमने शुरू में पढ़ी। जिस उम्मत की बुनियाद इकरा पर हो उस उम्मत का ताल्लुक इल्म से क्या है और क्या होना चाहिए साफ जाहिर है। हजरात, दुनिया इंसानियत इन आखिरी 1.5 सालों से जिन दर्दनाक हालात में गुजर रही है उसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। एक तरफ दुनिया की मईशत पूरी बर्बाद होकर रह गई और दूसरी तरफ तालीम चौपट हो गया, जिस्मानी सेहत भी बिगड़ गई। तालीम का नुकसान उनके मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा सवाल निशान बनकर रह गया। बच्चे जवान करें भी तो क्या, ऑनलाइन तालीम बच्चों की प्यास नहीं बुझा सकती और न ही बच्चों का शौक बढ़ा सकती है, बल्कि बच्चों को तालीम से दूर कर रही है। अब इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों के वालिदैन की है। अब वालिदैन को कमर बांध कर मैदान में आना है और अपने बच्चों के ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने ख्वाहिशात और अपने औकात को बच्चों पर निछावर कर देना चाहिए। सामाइन, मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन के लिए सुनहरा मौका है। वो अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाए और अपने तालिबे इल्मी के वाकयात ऐसे दिलचस्प अंदाज में बताए जिससे उनके पढ़ने के शौक़ को जिला मिले। उन्हें मोबाइल के नुकसानात बताए, हसद, बगस, जलन वगैरह जैसे खबीस खसलतों की बुराई उनके दिलों में बैठा दे। उस्ताद के पास चंद ही बच्चे आते थे, कुछ ही वक्त के लिए ही सही लेकिन आते थे। उन्हें बच्चों की सही कदर करनी चाहिए और अल्लाह ही हमारा हामी और हाफिज है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।